अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। और जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो कैनेडा का ट्रिप रहा उसका एक पार्ट टू भी अपलोड करूँगी मैं। सो, आज की वीडियो जो है वो हमारे वैंकूवर ट्रिप के बारे में है। 5 डेज़ का ट्रिप था और सुबह सुबह जो है हमारी फ़्लाइट थी। रात की 3 बजे हम लोगों ने घर से निकलना था एयरपोर्ट के लिए, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी और नींद भी पूरी नहीं हुई थी। वैंकूवर में मेरे हस्बैंड के कज़न्स होते हैं, उनके ताए ताई होते हैं वहाँ, तो हम उनके ही घर रुके थे क्योंकि 5 डेज़ के लिए ही आए थे और एक दिन तो आने जाने में लग जाना था। तो हमें था कि बाकी के डेज जो है हमारी यही कोशिश थी कि उन्हें हम फुल यूज़ करें और वैंकूवर एक्सप्लोर करें। वैंकूवर हम सुबह के वक्त पहुँचे थे, तो जाते साथ ही हमने पहले अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर थोड़ी रेस्ट की। हमने बस थोड़ी देर ही रेस्ट की और टायर्ड तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन हमने कहा कि अब रात को ही सोएंगे क्योंकि ऐसे तो फिर पूरा जो है हमारा ट्रिप ऐसे जेट लैग में गुजर जाना है और रूटीन सेट करने में ही गुजर जाना है। हम लोग फिर वाइट रॉक सिटी गए और वहाँ पे जो कनाडा का सबसे लॉन्गेस्ट पियर है हमने वो देखा, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। उसके बाद फिर शाम हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, तो हम लोग आइस पार्लर रुके, वहाँ पर हमने आइसक्रीम खाई। तो इसके बाद फिर हम लोग घर गए, घर जाके बस डिनर किया और सारे इतने टायर्ड थे कि हम उसके बाद बस सो गए और हमने अपनी नींद पूरी की कि नए दिन का आगाज़ जो है हम लोग फ्रेश होके करें। इस ट्रिप की ये एक बहुत अच्छी बात थी कि हम लोगों ने एक 7 सीटर कार रेंट की हुई थी और फिर सारे एक ही कार में हम लोग घूमने फिरने जाते थे, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि नॉर्मली 2 कार्स होती थी, तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो बस 2 कार्स में डिवाइड होके जाते हैं, तो यहाँ पे फिर एक कार में बहुत मज़ा आया। आज का पूरा दिन जो है वो मेरे हस्बैंड ने प्लान किया हुआ था, उन्होंने घर से ही सारी जगह देखी हुई थी कि कहाँ कहाँ हमने जाना है। मेरे हस्बैंड के जो कज़न थे उन्होंने आज जाना था जॉब पर और उनकी फैमिली इसलिए हमारे साथ नहीं गई, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने इतने अच्छे से जो है पूरा दिन प्लान किया हुआ था। ये वाला दिन जो था वो हमारे पूरे वैंकूवर ट्रिप का सबसे बेस्ट डे रहा। हमारा फर्स्ट स्टॉप जो था वो था लाइट्स बे बीच पार्क, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि वहाँ पे बीच था और एक साइड पे छोटा सा पार्क था बच्चों के लिए। उस दिन वेदर भी बहुत अच्छा था क्योंकि हम लोग मई में गए थे कैनेडा, तो अभी गर्मियाँ ऐसा ऐसा स्टार्ट हो रही थी, तो उस दिन जो है लेकिन बहुत सनी वेदर था और यहाँ पे रश भी कोई नहीं था। अगर हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे टाइम पे ना पहुँचना होता तो आई थिंक हम लोग पूरा दिन जो है वो वहाँ गुजार लेते। तो पहला स्टॉप जो था वो तो हो गया पास, कि बहुत अच्छी जगह थी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और देखते हैं कि वो मेरे हस्बैंड ने कैसी चूज़ की। जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी थी वो इज़ना की दादू की फेवरेट थी, उनको क्योंकि चेयरलिफ्ट बहुत पसंद है, तो हमने कहा एक हम वो एक्टिविटी भी रखते हैं बीच में। हमने एक्चुअली जिस चेयरलिफ्ट पे जाना था वो बंद थी, उन्होंने जुलाई के स्टार्ट में भी खुलना था, फिर लेकिन इंटरनेट से देख के हम एक और चेयरलिफ्ट मिली जो खुली थी, तो हमने कहा कि हम वहाँ चलते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा ये जो वैंकूवर वाला ट्रिप था काफ़ी अप एंड डाउन के बाद जो है वो फाइनल हुआ, तो इस वजह से पहले इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग पहले से प्लान करें सारी एक्टिविटीज़ और जगह पहले से देख के रखें। कुछ जो है वो मैं और मेरी नंद एक दूसरे को टिकटॉक पे देख के सेंड करते रहते थे, लेकिन ये नहीं कि हमने कोई प्रॉपर प्लान बनाया हो। हमने आपस में वैसे ये भी बात की हुई थी कि एक सस्पेंशन ब्रिज है उस पर जाएंगे, लेकिन वहाँ प्लान हमारा बना ही नहीं जाने का। तो यहाँ पे हम जब लिफ्ट से उतरे तो अचानक से एक और सस्पेंशन ब्रिज हमें नज़र आ गया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर वो सस्पेंशन ब्रिज नहीं तो एटलीस्ट हमने ये वाला तो देख लिया। ये जगह देख के पता चला कि इस चेयर लिफ्ट को सी टू स्काई गोंडोला क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तरफ माउंटेन्स हैं और नीचे सी है। बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ से। जब सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करके जाते हैं तो दूसरी तरफ जो है बहुत ज़्यादा हाइकिंग ट्रेल्स थे, वहाँ पे हमें थोड़ी मुश्किल हो रही थी इज़ना के स्ट्रॉलर चलाने में, तो इस वजह से फिर हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं गए, हम लोग फिर वापस चले गए। वापस हम लोग फिर गोंडोला में बैठ के गए और हमने क्योंकि सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट ही किया हुआ था तो अब हल्की हल्की भूख लग रही थी, हमने कहा कि पहले हम कुछ खा लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपनी जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। तो फिर हम लोग रुके एक मैकडोनल्ड्स पे और वहाँ पे हम लोगों ने बर्गर फ्राइज़ रैप्स वगैरह ये बहुत कुछ ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद फिर हम लोग अपनी थर्ड और लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचे आज के लिए, जो कि थी शैनन फॉल्स। इस वाटरफॉल को देखने के लिए 2 व्यू पॉइंट्स थे, हम लोग पहले वाले पे रुके, ये जो है सारा टाइम उधर स्पेंड कर दिया। तो फिर जब हम वापस जाने लगे कार की तरफ तो हमें एक बोर्ड नज़र आया, वहाँ पे लिखा हुआ था कि वाटरफॉल देखने के लिए इस तरफ चलें, तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से किस तरह का व्यू आता है, और शुक्र है हम लोग उस तरफ चले गए क्योंकि वहाँ से पूरे वाटरफॉल का एक अलग ही व्यू था। फिर हम लोग उधर भी थोड़ी देर रुके, वहाँ भी पिक्चर्स वगैरह बनाई और फिर हमने कहा कि चलो अब हम लोग चलते हैं घर को क्योंकि शाम होने वाली है।
तो घर वालों ने भी खाना जो है वो रेडी किया हुआ था, उन्होंने बारबेक्यू का इंतज़ाम किया हुआ था। ये थी हमारी सेकंड डे की एक्टिविटी। तो उससे नेक्स्ट डे जो है वो बारिश थी पूरा दिन, तो इस वजह से हम लोगों ने कोई स्पेशल प्लान नहीं बनाया था। पहले टाइम हम लोग शॉपिंग करने चले गए और दूसरे टाइम मेरे जेठानी के भाई की तरफ हमारी दावत थी तो हम लोग उधर चले गए। तो उधर ही फिर प्लान बना के अगले दिन हम लोग विक्टोरिया चलते हैं सारे। तो सुबह सुबह उठ के हम लोग रेडी हुए, तकरीबन 6-7 बजे जो है वो हमने घर से निकलना था क्योंकि टाइम पे पहुंचना था, फेरी पे जाना था हमने विक्टोरिया, क्योंकि हम लोग तीन फैमिलीज थी तो निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गए। तो ये हुआ कि फिर हम विक्टोरिया की फेरी में नहीं बैठ सके बल्कि ननाइमो वाली फेरी में बैठ के, और इतना कोई इशू नहीं था क्योंकि हमने सोचा वापसी पे हमने ननाइमो वाली फेरी में बैठ के आना था। तो हमने कहा कि अब हम लोग अपना ट्रिप थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, ननाइमो से स्टार्ट करते हैं और फिर विक्टोरिया वाली फेरी से बैठ के हम लोग घर वापस आ जाएंगे। बस दिन का स्टार्ट ही अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा बैड हुआ क्योंकि वेदर जो है वेदर ने हमारा साथ नहीं दिया, बहुत बारिश हुई और बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो फिर हम लोग फेरी के अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकले, लेकिन अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छे से सारा कुछ बनाया हुआ था, एक किड्स जोन बनाया हुआ था, वीडियो गेम्स वगैरह थी, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, मतलब बोर नहीं हुआ। अगर खाने पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम था लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग उधर पहुंच के ही कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। तो वहाँ पे पास ही हमें एक टिम हॉर्टन्स मिला तो हम सब ने बैठ के वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। तो सबसे पहली जगह जो हमने डिसाइड की हुई थी जहाँ हमने जाना था वो थी वेस्टवुड लेक। वहाँ पहुँचे हम लोग और बारिश नहीं रुकी, तो हम लोगों ने मतलब तस्वीरें वगैरह बनाई वहाँ पे, थोड़ा टाइम रुके और हमने ये सोचा कि अगर वेदर अच्छा होता तो कितना मज़ा आना था यहाँ। फिर हमने कहा यहाँ रुकने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और वेदर जो है वो और ख़राब होता गया और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, ऊपर से इतनी धुंध, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। हम लोग पहुँचे मालाहाट स्काई वॉक, लेकिन स्काई वॉक वहाँ पर हुई नहीं क्योंकि जितनी धुंध थी हमने कहा कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी मज़े की एक्टिविटी थी लेकिन वो हमारी उस दिन फिर रह गई क्योंकि बारिश भी थी धुंध भी थी, हमने कहा वहाँ जाके भी हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। ये वैसे इतने मज़े का था, हमने पढ़ा था कि यहाँ से चल के जाते हैं टॉप तक और वहाँ से एक तो बहुत प्यारा व्यू है और उधर से फिर स्लाइड के साथ जो है वो नीचे आते हैं। खैर अब क्या कर सकते थे, वहाँ से निकल के हम लोग विक्टोरिया पहुँचे तो शुक्र है वेदर जो है अच्छा हो गया, एकदम से ही जो है वो वेदर चेंज हुआ। और अगर आप लोग अब इस वक्त सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने पहले से वेदर क्यों नहीं चेक किया, तो हम लोगों ने वेदर चेक किया था और कल तक ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा था कि इतनी बारिश होनी है, थोड़ी बहुत थी बट इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। शुक्र है एंड पे से ही लेकिन वेदर तो थोड़ा बहुत अच्छा हुआ। तो विक्टोरिया ही हमने देखना था तो विक्टोरिया जब हम पहुँचे तो वेदर शुक्र है अच्छा हो गया, तो हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, पिक्चर्स वगैरह बनाए। उसने ये भी बात थी कि इसना क्योंकि सुबह सुबह उठ की थी, उसकी नींद नहीं थी पूरी हुई, तो थोड़ी देर बाद ही मैंने इसे सुला दिया था तो वो दोबारा सो गई थी। तो उसके बाद वो बहुत लंबा सोई। हम लोग विक्टोरिया पहुँचे और वहाँ से भी बल्कि हम जाने वाले थे तब जाके वो उठी। उसने अपना पूरा ट्रिप जो है वो नाइट सूट में गुजार दिया, उसका स्पेशली मैंने एक ड्रेस अपने साथ रखा हुआ था, मैंने कहा था मैं उसे पहनाऊँगी बट फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसने अपनी नींद पूरी कर ली। तो ये हमारा आखिरी स्पॉट था, इसके बाद हमने कहा कि अब हम लोग कहीं जाके कुछ खा लेते हैं और उसके बाद फिर हमने वापस जाना था फेरी पे बैठ के। काफ़ी टाइम लगा बट एंड पे फिर ये डिसाइड हुआ कि हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाते हैं। उसके बाद फिर हम जब वापस जाने वाले थे तो थोड़ा सा टाइम अभी था तो हमने कहा हम वहाँ का चाइना टाउन देखते हैं। वैसे तो काफ़ी छोटा सा चाइना टाउन है बट इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी मैंने तो ये कनाडा का सबसे ओल्डेस्ट चाइना टाउन है। लेकिन जिस टाइम हम लोग पहुँचे तो आहिस्ता आहिस्ता ये रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो वहाँ बंद कर रहे थे। खैर हमने तो वैसे भी खाना खा लिया हुआ था बट हमने थोड़ी सी जो है वो विंडो शॉपिंग की और उसके बाद फिर हम लोग वापस चले अपनी कार की तरफ क्योंकि अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया था हमारी फेरी के चलने में। तो हमने कहा कि हम लोग अब बेहतर है कि टाइम से पहुंच जाएं। वैसे भी हम लोग इतना फिरे और सुबह के निकले हुए थे, सुबह के उठे हुए थे तो इस वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गई थी। तो हमने कहा कि अब हम लोग घर को चलते हैं, थोड़ी देर एक जगह पर रुके, वहाँ आइसक्रीम खाई तो वहाँ से फिर हम लोग चले गए फेरी की तरफ। तो हमें ये था कि अब पहले टाइम तो हम लोग इन्जॉय नहीं कर सके थे क्योंकि इतनी बारिश थी, तो अब बारिश भी रुक गई थी तो हमें था कि हम लोग बाहर का व्यू जो है वो भी इन्जॉय करेंगे। तो अभी यहाँ हम लोग फ़िलहाल कार पार्क कर रहे थे फेरी के अंदर, फिर हम लोग निकले बाहर और हमने सोचा व्यू इन्जॉय करते हैं बट
स्टिल ऐसा नहीं हो सका क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा थी। फिर हम लोग अंदर ही चले गए, हमने कहा कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम से ही। अंदर से हमने प्रोटीन ऑर्डर किया, प्रोटीन खाई ना, उतनी देर अंदर जो है वो खेल रही थी, प्ले जोन जो बने हुए थे डिफरेंट बच्चों के लिए, तो वो वहाँ पर इंजॉय कर रही थी। घर पहुंच के हम लोगों ने बस रेस्ट की और अगले दिन जो है वो हमने पैकिंग की क्योंकि आज ही हमारी वापसी थी। छोटा सा ही ट्रिप था लेकिन बहुत अच्छे से हमारे दिन जो है वापस स्पेंड हुए। स्पेशली जो मेरे हस्बैंड की फैमिली है जिनके घर हम लोग रुके थे, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया और मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी उनकी तरफ और मुझे भी बहुत मज़ा आया उनके साथ। तो लास्ट डे हम लोगों ने बस ब्रेकफास्ट किया तो हम उधर से निकल पड़े। तो वापसी भी हमने सोचा था एक जगह हमने देखते हुए जाना है, वो थी ये कैनाडा प्लेस और बहुत प्यारी जगह है, लेकिन वहाँ की एक्टिविटीज़ जो उन्होंने ऑफ़र की हुई थी वो करने के लिए हमारे पास अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं था। लेकिन इस पर हमने देख लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे तो लाजमी ज़्यादा टाइम प्लान करेंगे इस जगह के लिए भी। हमने सोचा अभी थोड़ा सा टाइम है फ़्लाइट में तो हम लोग जल्दी से जा के कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हमने कार जो हमने रेंट पे ली हुई थी वो भी वापस करनी थी। तो फिर हम लोग मैकडोनल्ड्स के, वहाँ से हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया तो उसके बाद फिर हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। एक मिनट, आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि फ़्लाइट जो है वो हमें अब जर्मनी वापस पहुँचाएगी? अगर आपको ये लग रहा है तो आई हैव टू डिसअपॉइंट यू कि अभी हमारा कनाडा का ट्रिप जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास 2 और वीक्स हैं और इन 2 वीक्स में हम लोगों ने वापस ब्रैम्पटन जाके क्या किया वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा Part 3 कनाडा ट्रिप का, और वो वीडियो जो है वो मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको शो होती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।